एवरीवन, आज हम बनाएंगे ड्राई सेवियां, मीठी सेवियां। बहुत ही टेस्टी बनती हैं ये। इसे बनाने के लिए मैंने ये सेवियां ले ली हैं। इसको मैं हाथ से थोड़ा तोड़ रही हूँ, थोड़ा छोटा कर रही हूँ। उसके बाद मैंने पैन में 1.5 ये वाला बड़ा स्पून जो है मैंने देसी घी डाला है। उसके बाद हम इसमें सेवियां डाल देंगे और इसको हलाते जाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउनिश नहीं हो जाता। ये देखिए, इसका कलर चेंज होने लग गया है। इसको ऐसे हलाते जाना है, अगर नहीं हिलाओगे तो वो नीचे से बर्न होने लग जाएगा। तो हमें इसे हिलाते जाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउनिश नहीं हो जाती। ये देखिए, इसका कलर चेंज होने लग गया है। अभी हम इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी का कोई अमाउंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि 1 कप डालना है, 2 कप डालना है। आपकी जो सेवियां हैं उसमें कवर होनी चाहिए, इतना पानी डालना है आपको। ये देखिए, मैंने इतना ही पानी डाला है कि मेरी सेवियां कवर हो जाएं। और इसमें मैंने 2 जो बड़े चम्मच हैं, जो पहले मैंने घी के डाले थे, वही 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें शुगर डाले हैं। थोड़ा सा पानी मैं और डाल रही हूँ। हीट मैंने लो पे रखी हुई है। तो ये देखिए, अभी इसमें उबाल आ गया है। तो अभी हमें इसे इतना हलाना नहीं है। अगर आप ज़्यादा हलाओगे तो वो घुल जाएंगी, कि सेवियां घुल जाएंगी। सेवियां हमारी रेडी हो गई हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं इसमें तो डाल सकते हैं अपनी पसंद के। अभी हम इसको एक बर्तन में निकाल देंगे। तो एक बर्तन में निकाल के मैं इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ थोड़ा गार्निश कर दूंगी। तो ये लीजिए, आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।